मांग पत्र में साहब के साथ ये भी बताया गया है कि हमारा जो संगठन है वो शिक्षकों के हित के साथ साथ बच्चों के हित और स्कूलों की समस्याओं को भी सरकार के सामने रखता है। जब भी सरकार ने कोई क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम चलाई है तो केवल और केवल आपका संगठन एक ऐसा संगठन है जिसने उस क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन पॉलिसी का समर्थन भी किया है। मुख्यमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए संगठन कहता है कि बड़े दुख से अवगत कराया जा रहा है कि गत सरकार की भांति इस सरकार ने भी प्राथमिक शिक्षकों की कोई सुध नहीं ली। प्राथमिक शिक्षक अपने विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के भी कार्य कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक एक तरह से सरकार की स्टपड़ी का काम करते हैं, लेकिन पिछले दो वर्ष बीत जाने के बाद भी प्राथमिक शिक्षकों की भी अनदेखी सरकार करती आ रही है। स्वयं मुख्यमंत्री मोदी ने मीटिंग में यह आश्वासन दिया था कि जल्द ही प्राथमिक शिक्षकों की समस्याओं का निवारण कर दिया जाएगा, लेकिन निवारण करने की बजाय हमारी समस्याएं और बढ़ा दी हैं। हमारी मुख्यमंत्री मोदी से अपील है कि समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द किया जाए और संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल को मिलने हेतु समय दिया जाए। हमारी मुख्य मांगों में वेतन विसंगति। साथियों, छठे वेतन आयोग में प्राथमिक शिक्षकों का जो आरंभिक वेतन मान 16,290 दिया था, लेकिन बाद में 18,8,2009 को इस वेतन मान में कटौती कर 13,500 पे निर्धारित कर दिया था। ऐसा ही कटौती पत्र में मास्टरों का और स्कूल प्रवक्ताओं को भी रखा गया था। मुख्यमंत्री मोदी जी, जब एक ही पत्र से वेतन कटौती हुई है तो एक पत्र से वेतन बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? इसके लिए संगठन ने माननीय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से, साथियों एक बार आ जाइए, साथी मीडिया से आए हुए हैं, आपकी संख्या का पंडाल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा आपके यहां आने का कोई फायदा नहीं है। साथियों, मेरी आपसे अपील है, जो साथी एक कैंटर के पास खड़े हैं, ये काम साथी बाद में भी हो जाएगा, यहां आने का सिर्फ आपका जो मुख्य उद्देश्य है कम से